सूची जारी की है। मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाए गए हैं, बरेली से छोले लाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए। तो देखिए बीएसपी ने अपने नए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। मैनपुरी से शिव प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है और बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो देखिए बीएसपी की तरफ से बरेली से छोटे लाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं सुल्तानपुर से उदराज वर्मा बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस बार फरुखाबाद से क्रांति पांडे, वहीं बांदा से मयंक द्विवेदी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें से देखिए मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बड़ा दाव खेला गया है मैनपुरी में। और वही देखिए बरेली से छोटे लाल गंगवार प्रत्याशी बनाए गए हैं, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, फरुखाबाद की बात की जाए तो क्रांति पांडे हैं और बांदा से मयंक द्विवेदी हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए बहुजन समाज पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है और इसी बीच नए प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी, जिसमें से बताया जा रहा है कि मैनपुरी से इस बार यादव परिवार से प्रत्याशी बनाया गया है और देखिए सुल्तानपुर से उदराज वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं फरुखाबाद से क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है और बांदा से मयंक द्विवेदी हैं। और डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं, बलिया से लल्लन सिंह यादव बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं और जौनपुर से श्रीकला सिंह प्रत्याशी बनाए गए। देखिए सबसे बड़ा दिलचस्प, देखिए लगातार कल से कयास लगाए जा रहे थे और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जौनपुर से बीएसपी प्रत्याशी बनाई गई है इस बार। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपने नए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 11 प्रत्याशियों का नाम सामने आया है। जौनपुर से देखिए धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला को प्रत्याशी बनाया गया है और ये तमाम है जो नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी से इस बार शिव प्रसाद यादव को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और बदायूं से श्री मुस्लिम खां है। आपको बरेली से छोटे लाल गंगवार को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं देखिए जौनपुर से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, कल से खबरें चल रही थी कि श्रीकला को इस बार बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और बीएसपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए मैनपुरी ने जिन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसमें से बदायूं से मुस्लिम खां प्रत्याशी बनाए गए हैं, मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव हैं बताया जा रहा है और सुल्तानपुर से उदराज वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं और देखिए फरुखाबाद से क्रांति पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गया है। देखिए अजहर, बीएसपी ने अपने नए लिस्ट जारी किए, देखिए श्रीकला को इस बार प्रत्याशी बनाया जाएगा और देखिए जौनपुर से श्रीकला इस बार बीएसपी प्रत्याशी बनाई गई हैं। बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से बीएसपी ने अपनी पांचवी सूची जो है वो जारी की है, जिसमें लगभग 11 नाम हैं और देखिए जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए मैनपुरी की, तो शिव प्रसाद यादव को यहां से मौका जो है वो दिया गया। इसी के साथ साथ बदायूं की बात की जाए तो मुस्लिम खां जो है वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे और इसी के अलावा देखिए बरेली की बात की जाए तो छोटे लाल गंगवार जो है वो बीएसपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा देखिए जौनपुर की बात की जाए, जिसमें कल तरह तरह के जो है कयास जो है वो लगाए जा रहे थे, इसी के साथ देखिए धनंजय सिंह की पत्नी को इस बार मौका दिया गया है, श्रीकला सिंह जो है वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। देखिए इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण सीट है, चाहे वाराणसी की जाए, डुमरियागंज की बात कर ली जाए, फरुखाबाद हो या सुल्तानपुर हो। देखिए मैनपुरी की बात कर ली जाए तो शिव प्रसाद यादव यहां चुनावी मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो डिंपल यादव आज वहां नामांकन करेंगी और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो देखिए जयवीर सिंह ने कल नामांकन किया था। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी ने भी अब वहां पर यादव उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है, क्योंकि देखिए डिंपल यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी और ऐसे में देखिए बीजेपी ने जो जिम्मेदारी मैनपुरी की दी है वो जयवीर सिंह को दी है, जो कि पर्यटन मंत्री है और इसी के साथ साथ देखिए अब यादव उम्मीदवार बसपा ने भी उतार दिया है ताकि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। देखिए जिस तरीके से ये आज सूची जो है वो जारी
की गई है। इसमें पूरी तरीके से जातीय समीकरण साधने के बाद देखिए जिस तरीके से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं जहां पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर मुस्लिम जो उम्मीदवार है वो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उतारा गया है। फिलहाल 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो है वो किया गया। और इसी के साथ साथ जौनपुर की अगर बात कर ली जाए, देखिए धनंजय सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, इस बार उनकी पत्नी को बसपा ने मौका दिया है, श्री कला सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगी। बीते दिनों तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि टिकट जो है बीएसपी के द्वारा धनंजय सिंह की पत्नी को दिया जा सका। फिलहाल उन तमाम कयासों पर आज पूर्ण विराम लग गया है और श्री कला सिंह वहां से चुनाव जो है वो लड़ेंगे। फिलहाल इस पांचवी सूची में 11 नाम जो है वो शामिल हैं। और इसी के साथ साथ देखिए बसपा प्रमुख मायावती की अगर बात कर ली जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगातार वो दौरे कर रही है, जनसभाएं कर रही है। और इसी के साथ साथ देखिए चाहे वो बीजेपी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, अपनी जनसभाओं में उनको टारगेट करती नजर आ रही, जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो बसपा सुप्रीमो के द्वारा की जा रही है। क्योंकि बीते चुनावों की अगर बात कर ली जाए, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या वो विधानसभा चुनाव हो, जिस तरीके से बसपा ने जो अपनी जमीन खोई थी वो कहीं ना कहीं बीएसपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तलाशने की कोशिश कर रहा है। मायावती भी लगातार जो है वो जनसभाएं कर रही हैं और इसी के अलावा बीएसपी मीडिया कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो हैं वो भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पांचवी सूची बीएसपी के द्वारा जारी की गई है और इसी के साथ साथ देखिए लगभग 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो बीएसपी के द्वारा की गई है। नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।